अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी जो हमारा सवाल है सभी वक्ताओं से वो है हाउ टू प्रोसीड इन स्पिरिचुअलिटी, हमको स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है अगर हमको बॉम्बे जाना है तो अगर हमें सही ट्रेन लेंगे तो हम बॉम्बे पहुंचेंगे, अगर हमें गलत ट्रेन ली तो शहर हम पहुंच जाए। तो ये सवाल है सभी वक्ताओं से कि हाउ वी प्रोसीड, हमें आ जाता कैसे बची कैसे दो दो तीन मिनट में हर कोई अपना अपना दृष्टिकोण दे। समय बहुत ही कम है, 3 मिनट, ये तो 1 घंटे का टॉपिक है। हम सब लोग जो है मटेरियल की वॉल्स के अंदर एक किस्म का इम्प्रिजनमेंट हुई हुई है, मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है स्पिरिचुअल साइड में जाने के लिए। आम आदमी इतना परेशान है अपनी चीजों के अंदर, इसके अंदर खुआ हुआ है अपना इवन इस वक्त एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये जो हमारी है, उसमें भी लोगों को टाइम नहीं मिलता इन चीजों के लिए, तो इसके लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत है हमारे को स्पिरिचुअल साइड में जाने के लिए। तो मैं इसको ज्यादा ना मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ कैसे करना चाहिए। एक तो आप जो है रात को सोते समय थोड़ा मनन कीजिए इस चीज के ऊपर आपने दिन में क्या क्या किया है, क्या कौन सी चीजें गलत की हैं, कौन सी चीजें आपने ठीक की है, आपको लगता है ऑडिट करो, ऑडिट, यस, सेल्फ ऑडिट इज द बेस्ट थिंग। हमने किसी भी चीज में करेक्शन लानी है, उसको सुधारना है, उसके लिए ऑडिट की जरूरत होती है, तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ ऑडिट करो रात को, और नेक्स्ट ये प्रण करो कि जो चीजें आपने गलत की हैं वो दोबारा दोहराओगे नहीं उन चीजों को। रात को सोने से पहले ईश्वर को याद करो, दिन में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं आपके साथ तो ईश्वर का धन्यवाद करो। फिर जो काम आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुए तो ये सोच के चलो कि आप आगे से बेहतर बने हो, आपको और एक्सपीरियंस हुआ है कि आगे से उन कामों को ये मुश्किलें आई हैं हमारे इस काम के अंदर इसलिए ये काम नहीं हुआ। ये सोच के चलो कि सारा काम आपके कंट्रोल में नहीं है, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई ऐसी चीजें भी हैं ईश्वर के हाथ में है। समय का ध्यान रखते हुए कि लोग यहां पे क्यों हो सुनील लाजिम व्हेन यू कैन एक बूढ़ी औरत आई और वो कहने लगी हमें तो इतना पढ़ाता है दुख से बोल रही है तो बेटा हमें तो कुछ ऐसा बता दे कि जल्दी से काम हमारा हो जाए। तो यहाँ भी वही बात चली है तो जल्दी से काम हो जाए 3 मिनट हमारे पास तो 2 मिनट सारे बुरे काम छोड़ दे और सारे अच्छे काम बढ़ा दे उनका और जो पुराने जितने बुरे काम है उनको निकाल, तेरा अत अर्जन हो जाएगा, तेरा अर्जन हो जाएगा, तो सुख हो जाएगी। इसी बात को छोटी सी बात को 45 साल तक पढ़ाता है तो जो उसका राइट हैंड है सारी पुत्र उसको कहता है कि इसको करने का प्रोसीजर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सीख सकता है, सारी पुत्र तेरे में वो गुण है। तो अभिधर्म पीटक बताता है, अभिधर्म पीटक इज द होल साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी मशीन या जितने रोबोट या जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है वो सारा सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनता है। कैसे एक ह्यूमन बिहेव होता है और कैसे एक मशीन बिहेव करती है दोनों में सिमिलरिटी है, और कैसे उसका हार्डवेयर और कैसे जो शरीर है काम करता है वो दोनों कैसे इंटरेक्ट है, कैसे आपस में एक दूसरे को काम करते हैं, कैसे बीमार करते हैं, वो सारी साइंस अभी नमू है मतलब उसको समझने के लिए बनता चाहिए। और एक सिंगल शब्द परलोक का नहीं है, लोक का है, लोक का मतलब शरीर का है और परलोक का मतलब लोक से परे या शरीर से परे नहीं है। पूरे के पूरे 84,000 जो उसने सूत्र दिए और पूरे 45 साल में कहीं किसी के ऊपर ना मर्सी है ना दया है ना कोई काल्पनिक शब्द है, टोटल साइंस है
और टोटल साइंस को बताता है और सिद्ध करता है। मैंने प्रूव किया इसलिए मैं बहुत अच्छे शब्दों में बता सकता हूँ। 3 मिनट पूरे हुए तो मैं आपको बैक दे देता हूँ। खुशी से तीन चौथा पॉइंट बोले। शास्त्रों ने 4 मुख्य मार्ग बताए हैं अध्यात्म में बढ़ने के, भक्ति, कर्म, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग का मतलब ध्यान समाधि वाला योग जो पतंजलि का है, और चौथा है ज्ञान मार्ग। इस मनुष्य यंत्र को ज्ञान मार्ग सबसे ज्यादा आया है क्योंकि इसके अंदर में जो रास्ता है, क्योंकि अद्वैत फिलोसफी को नजर कर रहा हूं, ये ज्ञान मार्ग का रास्ता है। इसके अंदर ना तो कोई लंबी साधना की जरूरत है 20-25 साल तक, ना ही किसी की भक्ति की सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ना ही अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ने की जरूरत है। केवल समझना है, जानना है, और वो जानना ऐसा है एक झटके में भी हो सकता है और थोड़ा टाइम लग के भी हो सकता है। आत्म ज्ञान की जानकारी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को शांत करके सोचे तो बहुत इजी पॉसिबल है। तो जानना सर और बाहर की चीज को नहीं, कंप्लीकेटेड चीज को नहीं, अपने आप को जानना है, और वो जानना ही वो ज्ञान है जिससे सारा बदलाव हमारे जीवन में हो जाता है। क्योंकि अपने असली स्वरूप को जान लिया जो कि हम खुद हैं, और वो स्वरूप ही सचित आनंद है। हम आनंद को जान लेते, हम खुद को जान लेते कि हम आनंद है तो आनंद हो जाते हैं, तो हमारे स्वभाव में सारा बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। ना ही इसके अंदर हमें नियम और अपने पहले आत्मा को सुधारना, सही मार्ग पर चलना, वो करना है, फिर हमें परमात्मा मिलेगा। पहले हमें सीधा ही हम ज्ञान से अपने को जानेंगे और अध्यात्म की चरम सीमा में आत्म ज्ञान को पाएंगे। ये रास्ता आत्म ज्ञान का मैं सुझाव देता हूँ। आत्मज्ञान के लिए जैसा एक मेरे अभी भाई ने प्रश्न भी पूछा था कि हम लोग बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं कि हमें शांति मिल जाए, वहां से शांति मिल जाए, पर अंतर तो गत्वा जिनके लिए शांति के पास जाते हैं वो जेल में पड़े हुए होते हैं। तो हमें अपनी महर्षि दयानंद कहते हैं पहले जानो फिर मानो। जीवन में आप किसका अनुसरण कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण रूपे ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन हम आज की पद्धति ऐसी हो गई, बस जहाँ लाइन देखते ना लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमें लाइन में नहीं खड़े होना है, हमें परमपिता परमात्मा ने मस्तिष्क दिया, उस मस्तिष्क का उपयोग करते हुए हमें अपने मार्ग को चुनना कि कौन व्यक्ति हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जा सकता है। वहां अपने अहम को हमें निकाल देना है। गुरु के सामने एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ इसी पे पॉइंट पर कि जब स्वामी दयानंद जाते हैं विजयानंद जी के पास शिक्षा लेने, तो अंदर से विजयानंद पूछते हैं कि कौन है, तो ऋषि दयानंद और कोई होता तो अपना लंबा चौड़ा परिचय देने लग जाता, पर ऋषिवर ने यही कहा कि गुरुवर यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जब हम ये जानने के उद्देश्य से गुरु देखेंगे और अपने अध्यात्म की शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, हर किसी का अंधाधुंध अनुसरण नहीं करेंगे। जैसा भी कह रहे थे ईश्वरी जी और धर्म तो संसार में एक ही है, मत मतांतर कितने भी हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, मानव धर्म है कि अपने अपने मानव धर्म का पालन करिए जो प्राचीन काल से चला है। तो आध्यात्म का मानना इसलिए जरूरी है कि हमें श्रेष्ठ पद पर मिले, और किससे मानना है ये हमें अपनी बुद्धि से सोच के उसका अनुसरण करना है। आंख मीच के यदि भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर वही होगा कि गर्त में ही जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने आप को अच्छे व्यक्ति के संपर्क में ले जाए जो आपको श्रेष्ठ रास्ता बता सके, अच्छा रास्ता बता सके। आज ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें और ऋषि मुनियों के पथ पर चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य इसमें आत्मिक शांति प्राप्ति होगी, और यही आध्यात्म का सबसे अच्छा आपके लिए रास्ता है। बहुत धन्यवाद। देखिए आप बहुत कुछ सुनते आए ना आज तक, अगर सबसे सरलतम बात बता दूं, जब वननेस की बात कर रहे हैं तो जब मैं किसी को कहता हूं ना, या आप भी कहते हो आई लव यू, तो प्यार करना भी सीखा है कहीं। यू का मतलब परमात्मा, बस इतनी सी बात। जब सबसे प्यार करना सीख लोगे ना, करना शुरू कर दोगे ना, तो अध्यात्म बस शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सबसे आसान, सबसे प्यार करना है। तो जो सास बैठी है ना यहाँ कोई, तो अपने बहू से भी प्यार ही करेगी।
याद रख लेना। घर में कोई सर्वेंट आ गया ना तो कभी उसको खाना बनाने के लिए हफ्ते में 10 दिन में एक बार कह देना कि आज तू बैठ, मैं खाना बना के तेरे को खिलाऊंगी। कभी उसको भी गले लगा ले। कोई दुश्मन कोई ऐसे हो आज उससे क्षमा मांग लेना। कहते हैं ना फरीदा बुरे रा भला कर गुस्सा मन ना। गुस्सा किस लिए? प्रीति कहते हैं बुरे का भी भला कर, हम तो भले का भी भला नहीं करते। सुजानती शुरू हो गई। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब कहते हैं साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, सबसे प्यार करना, सबसे प्यार करना है। दो बातें तो इन्होंने बता दी, मैं समापन की तरफ बढ़ूं कि knowing self conceit and following the ways to eradicate it, खत्म कैसे होगी? मैं इससे रास्ता चर्ची का शुरू होता है। दूसरा purifying our mind, particularly getting rid of anger, lust, desires, ego, etc. Oh, and ego, of course, is the way to follow the spirituality. Third, through prayer to the unknown, unseen, invisible, inaccessible, and yet prevailing everywhere and all powerful, means the omnipresent and omnipotent. उसके आगे प्रार्थना कर लेना। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो घर में बैठे प्रार्थना ही कर लेना, वो सुन रहा है, सुन रहा है। बस शुरू हो गई स्पिरिचुअलिटी, प्रार्थना कर लेना। और फिर कहते हैं थ्रू द कंप्लीट सरेंडर टू द लॉर्ड का, कंप्लीट सरेंडर, बस स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। और फिर बाय डेवलपिंग क्वालिटीज एवरी डे एंड डिमिनिशिंग ऑल दैट व्हाट यू कॉल दैट सिंपल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और कहते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, याद रखना अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू अवर लाइफ ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, जैसे आप हो, जहां आप हो, जैसे भी हो, उसको एक्सेप्ट कर लेना ग्लैडली ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। बस समझ लो स्पिरिचुअलिटी शुरू होगी, कंसिडरिंग इट एज will of God, as will of God. Thank you. I completely echo the ideas that have been shared by Kadi Sahib. Moti baat wapis adhyatmik unnati ya adhyatmik pragati chalne ka marg hai, charcha ka marg nahi, katni ka nahi, karne ka marg hai. Iske liye do pramukh sadhan, जैसे एक जीव है, एक पक्षी है, उड़ रहा है, उसको दो पंखने के लिए, दूर से जाने के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के दो मुख्य साधन हैं, पहला निष्काम सेवा और दूसरा नियम पूर्वक अधिक से अधिक नाम स्मरण। इन दो के बारे में थोड़ा थोड़ा एक लाइन में हम बात करते हैं। निष्काम सेवा यानी फल की इच्छा से रहित और सेवा के अहंकार से रहित की गई सेवा, अपने सुख दूसरों के सेवा में अर्पण करना, मन से निष्काम भाव से सेवा करना और दूसरी बात सत्सिमरण, नियम अनुसार समय के साथ सत्सिमरण यानी परमात्मा तो परमात्मा को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आटा गूंथते समय, ऐसा ही फॉर्मर सब्जी काटते समय, कपड़े धोते समय, किचन में पर्टिकुलरली जब है, क्योंकि वो सारी आपकी हमारी भावनाएं हम नेक्स्ट खाने वालों में जाती हैं, उसके समय में बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। तो सत्सिमरण एकांत में भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है, मन में परमात्मा, जैसे कबीर साहब का एक था हथ कारवल दिल यारवल, तो यदि हम उस परिस्थिति से अपने आप को चलाते हैं तो 24 घंटे का हमारा सत्सिमरण चल सकता है। हाँ, इसके साथ में तीन और चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज है सादगी, जो एक प्रमुख नियम में है हमारे आध्यात्मिक उन्नति का, क्योंकि जैसे हैं जहां हैं वो बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके साथ एक दो चीजें और जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा, वो है सादगी। अपने जीवन में सादगी लिबास की, शरीर को बचाने के लिए है केवल, उसका तड़क बड़क से दिखावे से संबंध नहीं है। स
सादगी आहार की, क्योंकि जितना अच्छा आहार होगा उतने ही हमारे अच्छे विचार होंगे, जैसा खाएंगे हम वैसा बनेगा। मैं भक्षा भक्ष को छोड़ करके तीखा मीठा ज्यादा उसको छोड़ करके यदि हम चाहते हैं। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है विचारों की सादगी, जैसे है वैसे ही सामने अपने आपको प्रेजेंट करें, दिखावा ना हो उसमें। धीरे 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 वी राइटली हर्ट एज एस राइट, तो हमारे जीवन में आध्यात्म उतरना शुरू हो जाएगा अपने आप। उसके आगे है सादगी के अलावा सत्संग। सत्संग इसलिए कि जो भी हमारे विचार आज जब हम जहां बैठे हैं, दिस इज ए सत्संग। हम केवल एक परमात्मा के रास्ते पर चलने की चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में नहीं जा रहे, ये सत्संग है। सत का संग का मतलब ये परमात्मा का संग, एज आई सेड अगेन बिफोर, सत मींस परमात्मा। सो हमारा हर कर्म, इसको सिर्फ छोटी सी दो लाइनों में अगर डिवाइड करेंगे, हर वो कर्म जो मुझे परमात्मा की ओर ले जा रहा है वो सत्कर्म है, और वो मेरे आध्यात्म मार्ग में उन्नति दे रहा है। हर वो कर्म जो मुझे परमात्मा से दूर कर रहा है उसकी डिस्टिंक्शन मुझे करने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति अपने कर्मों को जानता है, वो हमें परमात्मा से दूर ले जा रहा है। और जितनी दूरी होगी उतना 84 लाख का चक्कर खड़ा हुआ है। इसलिए जहां है जैसे हैं वहां से ये जीवन में हम अपनाना शुरू कर दें, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, पांच आध्यात्मिक पंचशील के नियम। अध्यात्म हमारे सामने खड़ा है, आप बाएं खोले कि आइए, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार बोले हम सभी वक्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें।